साथ मौजूद है शिवसेना पार्टी के कोर कमेटी आईटी सेल के रमेश सोलंकी जी। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर आप शिवसेना पार्टी से जुड़े हैं और काफ़ी सोशल वर्क भी करते हैं, तो सर किस तरह का सोशल वर्क आप करते हो? सर सोशल वर्क तो नॉर्मली जो अगर किसी को मदद लगी या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो हमारे से होता है वो हेल्प करके वो सॉल्व करने का। अभी मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कहीं बाढ़ आ गए या कहीं कुछ बिल्डिंग गिर गई या किसी को ब्लड चाहिए। आज सोशल मीडिया पे ही सारे माध्यम, मतलब सोशल मीडिया इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग, एवरी वॉक ऑफ लाइफ। सो उसी की तरह जितनी भी हेल्प होती है सोशल मीडिया पे वो कर, जितना हमारे से बन सकता है हम लोग ट्राई करते हैं हेल्प करने के लिए। शिवसेना पार्टी से आप जुड़े हो, आईटी सेल के इसमें हो आप, तो उसमें किस तरह का सर आपका रोल है? शिवसेना आईटी सेल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जैसे शिवसेना का आईटी सेल, हम लोग शिवसेना की बात रखते हैं या शिवसेना को कुछ डिबेट में कोई गलत बोल रहा है या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या पब्लिक को भड़का रहे शिवसेना के आगे, तो हम लोग उनको काउंटर विथ फैक्ट्स एंड ट्रूथ हम लोग काउंटर करते हैं उनको। या कुछ शिवसेना ने जो कार्यक्रम किए वो फैलाते हैं, जो हमारे बॉस के मैसेजेज होते हैं वो फैलाते हैं, तो इट्स टोटली ऑन सोशल मीडिया। लाइक वो बोलते हैं ना, अभी तो सोशल मीडिया एक ऐसा हो गया कि पैरेलल मीडिया हो गई है, मीडिया जो गलत फैलाती थी किसी के भी बारे में उसको काउंटर करते हैं, तो आईटी वैसे आईटी सेल में वैसा काम होता है। सर हमने सुना है रमेश सोलंकी जी को गुस्सा भी आता है, कुछ ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है? सर नहीं, गुस्सा तो मुझे काफ़ी कम आता है, मगर जब कोई अगर मेरे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या इंटरनेशनल एक्टिविटी करता है तो ऑब्वियसली एज ए इंडियन तो गुस्सा तो आएगा ही, बट गुस्सा आता है तो मैं आई प्रीफर टेकिंग द लीगल वे। मुझे अपने देश के कानून और गवर्नमेंट पे भरोसा है तो मैं ज़्यादा, मतलब मोस्टली नहीं, मतलब आई टेक इट द लीगल वे, जो लीगली होता है वो आई ट्राई टू डू दैट। सर अभी चुनाव भी आने वाला है, क्या आप लोगों से क्या अपील करना चाहोगे आपकी पार्टी के रिलेटेड लेकर के? सर शिवसेना ने बहुत अच्छा काम किया इतने सालों में, अभी लोग बोलते हैं कि सिर्फ बीएमसी में ये रोड पे खड्डे ऐसा, मगर जितना काम बीएमसी और बीएस करता है उतना काम इंडिया लेवल पे किसी ने नहीं किया। जितनी अगर सुविधाएं दी जाती है बीएमसी से, आप देख लीजिए कि जैसे पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, रोड्स है एंड कनेक्टिविटी एवरीथिंग लाइक ट्रैवल, इंडिया में सबसे बेस्ट बीएमसी है। तो कंपेयर करिए आप, जैसे दिल्ली जैसे शहर में आपको पानी नहीं मिलेगा, मुंबई में आपको पानी मिलता है 24 आवर्स लाइफ। सो इट मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी टू लिव एंड थैंकफुली टू बीएमसी एंड द पीपल ऑफ बीएमसी वर्कर्स। आगे किस तरह के आपके जरिए लोगों को काम देखने मिलेगा? हम लोग वी ट्राई टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम व्हाट कम्स टू अस। अभी उसमें हम लोग 100% तो लाइक वी आर नॉट सक्सेसफुल, बट मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व ऑफ पीपल। सो लाइक वॉट एवर प्रॉब्लम कम, जैसे आता है वी टेक इट हेड ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू सर, मैं चैनल से बात कर रहा हूँ।